HS News, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पेश है लंच टाइम बुलेटिन। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 30 मई को दिल्ली में होगा शपथ ग्रहण समारोह। जीत के बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आए थे, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक करिश्माती जीत हासिल की है। हम लोगों ने पार्टी बनाई थी जी, बीज लगाया था, उसमें एक अच्छा पेड़ भी पैदा किया था। अब ये फलदायी पेड़ इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है जो लोगों को फल देगा, और हमने यही कहा कि अब इसके फल सारे देश को अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट दिलवाना, ये भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी को बधाइयों का तांता। पाकिस्तान समेत कई देशों ने मोदी को दी जीत की बधाई। पीएम मोदी की प्रचंड जीत को बीजेपी के राज्यसभा सांसद और हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के अध्यक्ष आर के सिन्हा ने बताया सुनामी। कहा, लोगों ने अगड़ा पिछड़ा दलित और महादलित का बंधन तोड़ दिया, मोदी को वोट। 1967 के चुनाव से अभी तक चुनाव लड़वाता रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी थी इस बात की कि ये बहुत गंभीर रूप से उसको मोदी की लहर नहीं कहेंगे, सुनामी है। और चूंकि ये आम जनता के बीच का ये माहौल था। आजमगढ़ में हारने के बाद निरहुआ ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, लिखा, ना ये देश रुकेगा ना ये देश झुकेगा, आए तो मोदी ही। पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत पर रॉबर्ट वाड्रा ने दी जीत की बधाई। कहा, हर जीत है जिंदगी का हिस्सा। 25 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष पद से दे सकते हैं इस्तीफा। लोकसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस नेता राज बब्बर ने की इस्तीफे की पेशकश। पटना साहिब से चुनाव हारने पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, कुछ तो बड़ा खेल हुआ है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि मैं, हालांकि खेल तमाशे बहुत हुए ऐसा दिखता है, और खेल तमाशों के बावजूद और खासकर कुछ प्रदेशों में, जैसा लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में और कुछ जगह, झारखंड और शायद आंध्रा में और कुछ जगह बहुत ज़बरदस्त खेल तमाशे हुए हैं, लेकिन उस पर भी टीका टपनी या उस पर कोई अभी विचार विमर्श या उस पर कोई समीक्षा करने की घड़ी नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू। मध्य प्रदेश सीएम कमलनाथ के करीबी राजेंद्र मिगलानी के घर डाली रेड, कैश और ज्वेलरी बरामद। पीएम मोदी की जीत पर ट्विंकल खन्ना, कपिल शर्मा, अजय देवगन, वरुण धवन समेत कई बॉलीवुड सितारों ने दी बधाई। दुनिया में मोदी की जीत की धमक, विदेशी मीडिया ने लिखा, हिंदू राष्ट्रवाद की वापसी। क्या 2014 की तरह इस बार भी खाली रहेगी नेता प्रतिपक्ष की सीट? 18 राज्यों में कांग्रेस को नहीं मिली एक भी सीट। दिल्ली में चली ऐसी मोदी लहर, आपके 3 प्रत्याशी दिलीप पांडे, पंकज गुप्ता और ब्रजेश गोयल की जमानत जब्त। मोदी की जीत पर सेना का तोहफा, पुलवामा एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर और जम्मू कश्मीर आईएस के कमांडर आतंकी जाकिर मूसा को सेना ने किया ढेर। HS News, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।